नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेन चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने एजुकेशनल चैनल जेके एरुटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है यूपी ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी यूपी जी कप यानी कि ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम होता है यूपी पॉलिटेक्निक जिसे बोलते हैं यानी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए, उसका आवेदन आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, आज उसके बारे में जो है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है gcup.nic.in, इस लिंक को ओपन करके इस ऑफिशियल वेबसाइट को, उत्तर प्रदेश की जो यूपी ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको जो है आप ओपन कर लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो का लिंक जो है मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन लिंक से इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे आपके सामने वेबसाइट इस तरीके से ओपन होकर आएगा और यहाँ पे तीन ऑप्शन बना हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी और तीसरा ई से लेके ई टू तक, दूसरा है बी से के तक और तीसरा ई वन और ई टू के लिए। तो मैं यहाँ पर ग्रुप ए का फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन फीड करके दिखाता हूँ कि अगर आप ग्रुप ए के लिए यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म ग्रुप ए, जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे एक दूसरा ओपन हो जाएगा ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 फॉर ग्रुप ए के लिए, इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में है दोस्तों न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और दूसरे पार्ट में है ओनली रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन। तो पहले आपको अगर न्यू है तो पहले यहाँ करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, नहीं तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल के साइन इन करके आगे की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता हूँ, इसके लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है कि इसमें क्या क्या चाहिए। देखिए, जो फोटोग्राफ्स और हस्ताक्षर की जो स्कैन कॉपी है वो जो है 10 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, यानी जो फ़ोटो और सिग्नेचर जो है, फ़ोटो जो है कम से कम 10 केबी और अधिकतम 200 केबी के बीच में होना चाहिए जीपीजी फॉर्मेट में, और सिग्नेचर जो है दोस्तों 10 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका अंगूठे का निशान भी चाहिए। तो इस तरीके का ये पेज खुल जाएगा, इसमें पूरा डिटेल है। देखिए, यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए जो है 300 रुपया पर फॉर्म का फीस है प्लस बैंक चार्ज। अगर आप नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई या किसी के भी थ्रू करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर 300 और उसके अतिरिक्त जो है बैंक का जो चार्ज होगा वो इंक्लूड होगा, और एससी एसटी के लिए 200 रुपये यहाँ पर इसका फीस है। तो इस तरीके का इस नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ पर टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीज पर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीज पर क्लिक करेंगे एक ऐसे पेज खुल जाएगा, यहाँ पर नाम डालेंगे। मैं यहाँ पर नाम डालता हूँ सिंह। ठीक है, यहाँ पर पिताजी का नाम, ठीक, और यहाँ पर माता का नाम, और यहाँ पे जन्म तिथि यानी आपका जो जन्म तिथि है वो डाल देंगे। मैं डालता हूँ 10/1/2000 जन्मतिथि है, और यहाँ पहचान पत्र में वोटर आईडी या क्या, अगर वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर वोटर आईडी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ्स, अगर आपका बैंक पासबुक है तो उसका जो है फोटोग्राफ्स यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे जेंडर में यहाँ पे जो भी है मेल फीमेल है मेल चूज कर देंगे। अगर यहाँ पर आपका जो है वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पर वोटर आई डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, बैंक पासबुक जो भी है प्रूफ वहाँ डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ चूज किया हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं अपना अकाउंट नंबर डालूँगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, तो एड्रेस डालता हूँ वार्ड नंबर 5 हुगली यूपी, यहाँ पर लोकेलिटी गूगली है और यहाँ पर फिर लोकेलिटी यहाँ पे मेरा गूगली ही है, और यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री, आपकी कंट्री कौन सी है, तो इंडिया ही, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे।
और फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट, यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यूपी से हूँ तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में मेरा महाराजगंज पड़ेगा। देखिए मैं महाराजगंज सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और ईमेल आईडी है तो डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे पासवर्ड जो है बनाएंगे। देखिए पासवर्ड के लिए यहाँ ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, छोड़ दिए थे। ठीक, और मोबाइल नंबर यही रहेगा। और यहाँ पे देखिए पिन कोड यहाँ पे, और यहाँ पासवर्ड के लिए देखिए कि आप यहाँ पासवर्ड का कुछ रूल है कि पासवर्ड जो है आपको कैसे बनाना है। इसमें पासवर्ड जो है दोस्तों आपको 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए, और पासवर्ड में एक जो है अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो आप जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ आप पासवर्ड कैसे डालेंगे, पासवर्ड में आप डाल सकते हैं कैपिटल ABCD@1234-5, यानी एक लेटर जो है बड़ा होना चाहिए, एक लेटर जो है छोटा होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए, जैसे स्टार है कुछ भी। तो मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, मैं यहाँ देखता हूँ, यही पासवर्ड से मैं यहाँ डाल देता हूँ। जो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे वही पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, सुरक्षा प्रश्न, कि यहाँ पे कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें चूज करा व्हाट इज योर नियर बाई पेट्स नेम, मैं डालता हूँ राहुल, और ये जो कैप्चा कोड है सिक्योरिटी पिन, इसको आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। ठीक, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे एक रिव्यू के लिए पेज आएगा, यहाँ से आप जो है पूरा देख सकते हैं अच्छे से कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ से एडिट करके, एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे, और नहीं सब कुछ सही है तो फिर यहाँ पर आपको ट्रिक करना पड़ेगा। सारे ऑप्शन जो है आप ट्रिक कर लीजिए कि हाँ मैंने ये सारे ऑप्शन चेक कर लिया और ये जो है बिल्कुल सही है, एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको टिक कर देंगे, आई एग्री, और फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर एक ऑप्शन आएगा कंफर्म के लिए, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, यस। देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, और ये अभी फॉर्म इनकम्प्लीट है, दूसरे वाले में कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से कुछ ऑप्शन आ रहा है राष्ट्रीयता में इंडिया, कैटेगरी में आपकी कौन सी है, तो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उपवर्ग में आपका क्या है, तो कुछ नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। निवास क्षेत्र में आपका अर्बन है कि रूलर है, तो मेरा जो है रूलर है। राज्य की पात्रता, आप डोमेस्टिकल ऑफ यूपी यानी आप यूपी से हैं, यहाँ पे नो कर देंगे, और यहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ से आप जो है उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन प्रथम परीक्षा सर चूज करेंगे कि कहाँ रहेगा, तो मैं पहला आर डाल देता हूँ, दूसरा मैं जो हूँ बोले लेता हूँ, और तीसरा फिर यूपी, और यहाँ से मैं बस्ती डाल देता हूँ। तो आप यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी 3 शहरों का नाम जहाँ पे आपका परीक्षा होगा क्रम से आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के लिए, शैक्षणिक विवरण में आप क्या क्या डालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए पास स्टेटस, तो पास डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम नेम में, टेंथ बोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर डाल सकते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पर डाल देंगे, और जिस साल में आपने पास किया है वो डाल देंगे। और यहाँ पे परसेंटेज टाइप कर देंगे, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज, यहाँ पे मार्क्स कितना, ऑप्टेन मार्क्स कितना पाए थे आप, 420, टोटल मार्क्स आपका कितना था 600, और ये परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। और यहाँ से अपना रोल नंबर जो है टाइप करेंगे, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम टाइप करेंगे, तो मेरे स्कूल का नाम था DAVNARANG नारंग इंटर,
हाँ, और उसका इंस्टीट्यूट का जो है पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है, और ये जो है सिक्योरिटी पिन जो है यहाँ पे आप टाइप करेंगे, बिल्कुल सही सही। इतना टाइप करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर एक रिव्यू के लिए ऑप्शन आएगा, कि इसको आप चेक कर लीजिए अच्छे से ताकि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ पे मैं इसको ऐसे जो है कर लेंगे सारा ऑप्शन कि जो मैंने भरा है वो सब कुछ सही है, और आई एग्री पे क्लिक करके फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर एक ऑप्शन आएगा कंफर्म का, डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, यस। देखिए अब आपका जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म, अब यहाँ पे फोटो अपलोड, अपलोड इमेज के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप अपलोड इमेज करेंगे, अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए आपका फोटोग्राफ्स और यहाँ से सिग्नेचर, तो फोटोग्राफ्स के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये फोटो है, इस फोटो को चूज कर लेंगे, ओपन करेंगे, देखिए फोटो आ गया। फिर हाँ सिग्नेचर के लिए फिर इस पर क्लिक करेंगे, और सिग्नेचर मेरा कहाँ गया, सिग्नेचर है राहुल सिंह, ठीक है, ये सिग्नेचर कर देंगे। और ये जो सिक्योरिटी पिन है फिर यहाँ पे इनपुट करेंगे 18722H, और यहाँ पे आई हैव वेरीफाइड अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली, और अपलोड पर क्लिक करेंगे। फिर एक ऑप्शन आ रहा है डू यू विश टू अपलोड इमेज फाइनली, तो यस, ठीक है। अब देखिए सारा जो है मैसेज आ गया कि सारा आपका इमेज जो है कम्प्लीटली हो गया है। अब यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आप जो है पे एग्जामिनेशन फीस, अब जो है 300 रुपये आप पेमेंट फीस जो है जमा करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन, तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट चूज कर लीजिए और प्रोसेस फॉर पेमेंट, ओके, ठीक है। यहाँ पर आपका पेमेंट खुल गया, आप किस मोड में सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, आप SBI MOPS पेमेंट गेटवे से करेंगे या ICICI बैंक पेमेंट गेटवे से करेंगे, को जिस गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हैं इसमें से उस गेटवे को आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ऊपर वाले को सेलेक्ट करता हूं और प्रोसेस फॉर पेमेंट, अब इस तरीके पेज ओपन हो जाएगा। देखिए आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, अगर आप SBI में हैं तो आप इससे करेंगे, और अदर बैंक का है तो इधर, अगर कार्ड से करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके का आएगा, यहाँ कंफर्म करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, और यहाँ से जो है आप अपने ATM का कार्ड जो है, जो आपका ATM कार्ड नंबर है ATM के ऊपर 16 अंकों का, वो जो है यहाँ पे टाइप करेंगे, और उसके बाद से यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट चूज करेंगे, और यहाँ से कार्ड होल्डर का नाम चूज करेंगे, और यहाँ जो है CVV नंबर ATM के पीछे जो ब्लैक कट पट्टी पे जो लिखा होता है 3 अंकों का जो लिखा होता है वो आपका CVV नंबर होता है, उसको टाइप करेंगे, और ये जो है कैरेक्टर यहाँ पे टाइप करके पे पर क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर बैंक से रजिस्टर्ड होगा, और उसके बाद OTP डालने के बाद आपका फाइनली पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है स्टेप बाई स्टेप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल JK एरुटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही एजुकेशनल एवं टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।